अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका? ठीक ठाक हैं। आज हम अपने दोस्तों की पुरजोर फरमाइश पर आपके लिए एक एग्ज़ामिनेशन रिव्यू सीरीज़ लेकर आ रहे हैं। ये एग्ज़ामिनेशन रिव्यू सीरीज़ MBBS फोर्थ ईयर फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स के लिए और NLE NEB के एग्ज़ाम में शॉर्ट केस देने वाले स्टूडेंट्स के लिए और पाकिस्तान में MBBS एग्जिट लेवल के किसी भी एग्ज़ाम के शॉर्ट केस देने वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत मदद देगी। ये एग्जामिनेशन रिव्यू सीरीज़ हिस्ट्री क्वेश्चंस, एग्जामिनेशन रिव्यू पॉइंट्स और केस प्रेजेंटेशन पर मुश्तमिल है। हिस्ट्री और एग्जामिनेशन पर आपको बहुत सी किताबें मिल जाएंगी, लेकिन एक मसला है कि वो सब की सब इंग्लिश ज़ुबान में है और जब हमने हिस्ट्री लेनी होती है तो वो कौमी ज़ुबान यानी कि उर्दू में लेनी पड़ती है, क्योंकि इंग्लिश ज़ुबान मरीज़ों को समझ नहीं आती। फिर हमें समझ नहीं आ रही होती कि हम उर्दू ज़ुबान में सवालात किस तरह पूछें। इंग्लिश के अल्फाज इस्तेमाल करने पर मरीज़ों को समझ नहीं आती और फिर बार बार सवाल पूछने पड़ते हैं, जिसकी वजह से टाइम भी ज़ाया होता है और फिर एग्ज़ामिनर भी इस बात को पसंद नहीं करता। इसलिए हम ये सीरीज़ लेकर आए हैं जो कि उर्दू में सवालात पर मुश्तमिल है। हम तमाम अहम केसेस पर उर्दू में सवालात पर वीडियोस बनाएंगे। इंशाल्लाह ये सवालात तमाम पहलुओं को कवर करेंगे। इसके बाद फिर आपको मज़ीद किसी किस्म के सवालात पूछने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। हर केस के आलमोस्ट 10-15 स्पेसिफिक क्वेश्चंस हैं, आप वो एक दफ़ा सुन लेंगे तो वो आपको याद हो जाएंगे। इस तरह आपका हिस्ट्री का पार्ट जो है वो मुकम्मल तौर पर कवर हो जाएगा। इसके बाद बारी आती है एग्जामिनेशन की। एग्जामिनेशन के हवाले से हम सिर्फ एग्जामिनेशन के पॉइंट्स को रिव्यू करने के लिए डिस्कस करेंगे, क्योंकि डिटेल में बहुत सी वीडियोस और बुक्स मौजूद हैं, आप वो कंसल्ट कर सकते हैं। अब फिर आगे फिर वही मसला आता है कि एग्जामिनर के सामने केस को प्रेजेंट किस तरह करना है। इसके लिए अल्फाज को ढूंढना और इसे तरतीब से पेश करना मुश्किल लगता है, क्योंकि हमने बहुत से सवालात उर्दू में पूछे होते हैं, उनको इंग्लिश में कन्वर्ट करना और फिर एक मुख्तसर वक़्त में बयान करना पड़ता है। तो हम हर एग्ज़ाम के साथ उसका रिफ्लेक्शन भी देंगे जो कि चंद फिक्रों पर मुश्तमिल होगा, तो आपको पैटर्न का अंदाज़ा हो जाएगा। रिफ्लेक्शन हमने स्टैंडर्ड फाइंडिंग्स में दी हैं, आप इनमें अपनी फाइंडिंग्स को पुट करें और प्रेजेंट कर दें। इससे पहले आप एक दफ़ा रिहर्सल ज़रूर कर लें। उम्मीद है आपको ये सीरीज़ बहुत पसंद आएगी। मज़ीद बेहतरी के लिए मैं आपकी तजावीज़ का मुंतज़िर रहूँगा। अपनी तजावीज़ मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।